आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए और बड़े बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। यूपी में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। यूपी में बीजेपी ने सत्ता को दोहराते हुए इतिहास को बदल दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पांचों राज्यों में हुए चुनावों के नतीजे आ गए हैं। यूपी में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। 37 साल बाद बीजेपी ने सत्ता को दोहराते हुए इतिहास को बदल दिया है और मतदाताओं ने दोबारा बहुमत के साथ भाजपा को सत्ता की गद्दी सौंपने का काम किया है। 5 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी 4 राज्यों में छाई रही। नतीजों के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनमें अपनी गलतियों से सीखने का दमखम है। यूपी में कहा गया कि प्रियंका पार्टी में नई जान फूकेंगी, इसके बजाय उन्होंने इसे नष्ट कर दिया। मुझे नहीं लगता कि उनमें इतना दमखम है कि वो अपनी गलतियों से सीखें, ना भी सीखें तो वो विषय कांग्रेस पार्टी का है, हमारी पार्टी का नहीं। हाँ, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि प्रियंका जी आएंगी पार्टी में, नए प्राण फूकेंगी, पार्टी फूक के जा रही हैं, ये अब देश जान चुका है। वहीं बीजेपी की जीत के बाद कई विपक्षी नेताओं ने बधाई देते हुए चुनावी नतीजों को लेकर बयान दिया है। AIMIM के चीफ ओवैसी ने चुनावी नतीजों के बारे में कहा कि यूपी की जनता ने बीजेपी को सत्ता देने का फैसला किया है, मैं जनता के फैसले को मंजूर करता हूं। इसके अलावा कुछ और नेताओं ने भी बीजेपी को जीत की बधाई दी। लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये प्रचंड बहुमत भाजपा के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए हम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, इस कारण उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से
दुनिया की निगाहें थी। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में और जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पहली बार 7 चरणों में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और संपन्न होने के साथ ही आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। वहीं बात करें बाकी के दूसरे राज्यों की तो उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और राज्य में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नतीजे घोषित होने के बाद गोवा बीजेपी के अध्यक्ष सदानंद शेत तनवड़े ने बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक बीजेपी को 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दे दिया है और इसके साथ ही बीजेपी की कुल सीटों की संख्या बहुमत के आंकड़े को पार कर गयी है। उत्तराखंड में भाजपा ने कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए बढ़त बना ली है। प्रदेश की सबसे हॉट सीट हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस के अनुपमा रावत की ओपनिंग के सामने प्रदेश के सबसे कद्दावर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद बोर्ड हो गए। अनुपमा ने अपने पहले ही चुनाव में 2017 में पिता हरीश रावत की हार का बदला लेने के साथ स्वामी यतीश्वरानंद को हैट्रिक लगाने से रोक दिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए हैं। वो ऐसे तीसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो चुनाव हारे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार ने बीसी खडूड़ी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन बीसी खडूड़ी खुद चुनाव हार गए थे। वहीं 2017 में कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन वो खुद 2 सीटों से चुनाव हार गए थे। इस सूची में पुष्कर सिंह धामी का नाम भी दर्ज हो गया है। उधर चुनाव में कांग्रेस के सीएम फेस हरीश रावत भी लालकुआ सीट से चुनाव हार गए। आज उत्तराखंड की जनता ने ये स्पष्ट रूप से सबके सामने कर दिया, उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से आज 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने काम करने वाले लोगों को तरजीह दी है। भाइयों बहनों, मुझे भी खुशी है कि मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले, और कहीं मैं किसी दौड़ में नहीं था, किसी दावेदारी में नहीं था, और मुझे काम करने का अवसर मुख्य सेवक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और केंद्रीय नेतृत्व ने दिया। और मैंने जनता से जो निवेदन किया, पूरी पार्टी के साथ जाकर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया, हमारे पदाधिकारियों ने किया, आज उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है वो आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और यहाँ पर लगातार मिथक था कि एक बार
भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है। और मैं हमेशा ये कहता था कि मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे मिथक टूट रहे हैं, सारे मिथक टूटते गए हैं, नए इतिहास बनते चले गए हैं। कांग्रेस जनों और कांग्रेस नेतृत्व के बहुत प्रयासों के बावजूद भी हम उत्तराखंड की जनता का विश्वास जीतने में थोड़े कम रह गए। अगर लोगों ने विपक्ष के रूप में हमको अपनी भूमिका अदा करने का जो आदेश दिया है, एक बड़े हुए मैंडेट के साथ दिया है, हम उसको पूरे प्राणपण से, पूरी निष्ठा से निभाएंगे। और मैं सभी अपने नवनिर्वाचित विधायक गणों को, जिसमें कांग्रेस के विधायक गण हमारे सम्मिलित हैं, उन सबको बहुत बधाई देता हूं। और कुछ लोग पहली बार अपनी विधायी पारी खेल रहे हैं, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, उनको मैं बहुत प्यार और आशीर्वाद देता हूं कि वो एक सफल विधायक सिद्ध हों और जनता के विश्वास को कायम रखने में सफल रहें। हमें पूरा विश्वास था कि लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। कहाँ क्या कमी हमारे प्रयासों में रह गई, मैं उसको कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई उसको मैं स्वीकार करता हूँ। और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, क्योंकि मेरी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, तो मैं जो हार हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी ले। पंजाब में आपने कमाल कर दिखाया है। बीजेपी और कांग्रेस को हराते हुए आप इस चुनावी रेस में सबसे आगे निकल गई। पंजाब में आपको कामयाबी मिली और बड़े बड़े दिग्गजों की कुर्सियां चली गई। जीत के साथ ही आप कार्यकर्ताओं और नेताओं ने खूब जश्न मनाया। आपका जश्न और जीत के बाद भगवंत मान ने भी बयान दिया है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी की हार स्वीकार की और आपको बधाई दी। पंजाब में हुई जीत के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के अंदर कुर्सियां हिल गई हैं। सुखबीर सिंह बादल हार गए, कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, ये बहुत बड़ा इंकलाब है। मेरे छोटे भाई भगवंत सिंह मान जी को पंजाब का सीएम बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो उम्मीद 90 के पार सीट हो चुकी है, अभी नतीजे और आ रहे हैं, इतना बड़ा बहुमत, ये डर भी लगता है। लोगों ने बड़ी उम्मीदें जताई है, लोगों ने बड़ा विश्वास किया है, इस विश्वास को हमें टूटने नहीं देना, सबको पूरा करना है। तो एक तो ये कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, मैं बार बार कहता हूं, हमें घमंड नहीं करना, हमें अहंकार नहीं करना, हमें बदतमीजी नहीं करनी। ये लोग हमें गालियां देंगे, इन्होंने चुनाव में मेरे को कितनी गालियां दी, केजरीवाल के कपड़े खराब हैं, केजरीवाल काला है, केजरीवाल अंग्रेज है, केजरीवाल पता नहीं क्या क्या आतंकवादी है। हमें इन गाली का जवाब गाली से नहीं देना, हमें इस देश की राजनीति बदलनी है। कोई आपको गाली दे तो बोलो जी गाली आपकी, आपको मुबारक, मैंने स्वीकार ही नहीं की आपकी गाली। पंजाब के लोगों ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे मोहर लगाकर भगवंत मान साहब और केजरीवाल साहब को गले लगा लिया है। मैं पंजाब के लोगों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत। बीते कुछ महीने इन सारी दूसरी पार्टियों ने हम सब पर घोर आरोप लगाए, कीचड़ उछालने की कोशिश करी, केजरीवाल साहब को आतंकवादी तक कह डाला,
लेकिन आज पंजाब के लोगों ने अपनी वोट की ताकत से ये साबित किया कि अरविंद केजरीवाल जी आतंकवादी नहीं, अरविंद केजरीवाल जी शिक्षावादी हैं, अरविंद केजरीवाल जी विकासवादी हैं। और आज जिन लोगों ने नेगेटिव कैंपेन चलाकर हम पे कीचड़ उछाला, काले अंग्रेज से लेकर गोरे अंग्रेज तक कहा, भगवंत मान साहब को नाना प्रकार की चीजें कही, वो सारी नेगेटिव ताकतें हारी हैं। आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल साहब भगवंत मान साहब का पॉजिटिव एजेंडा आज जीता है। मणिपुर में भी बीजेपी ने कमाल कर दिखाया है। मणिपुर में बीजेपी का परचम लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन पी रेन सिंह ने इम्फाल में पार्टी कार्यालय में पार्टी के अन्य नेताओं के साथ भाजपा की जीत का जश्न मनाते हुए खुशी में डांस किया। सीएम बीरेन सिंह ने 18,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। चुनावी नतीजों के साथ चार राज्य भव्यमय हो गए हैं और चार राज्यों में बीजेपी का झंडा लहरा रहा है और चारों राज्यों में बीजेपी ने अपना जलवा बिखेरा है। यूपी से लेकर हर तरफ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।